तो आप लोग को एक नया वीडियो हम लाए हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो। आज हम दिखाएंगे कि कोई एक केमिकल से हम रिएक्शन ब्रेड में करेंगे तो क्या होगा। तो उस केमिकल का नाम है आयोडीन। जी हाँ भैया, आयोडीन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ब्रेड। ये क्या है? ये है ब्रेड। ये जो है आपका ब्रेड है, इस ब्रेड में हम आयोडीन को डालेंगे तो इसका कलर जो है वो देखिएगा चेंजेस हो जाएगा। अभी तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को व्हाइट टाइप में, अब इसका कलर देखिएगा। इस आयोडीन सॉल्यूशन को हम इसमें अगर हम डालेंगे तो इसका कलर देखिएगा कि कैसा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने गॉगल्स को पहन लेंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब रिएक्शन कर जाएगा आपके फेस पर वो बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपना गॉगल्स पहनेंगे। एप्रन तो पहना हुआ, ग्लव्स पहना हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इस आयोडीन सॉल्यूशन, ये जो आयोडीन सॉल्यूशन N/10 नॉर्मलिटी का है, ठीक है। अब इसको हम इसमें डालेंगे तो देखिएगा कलर कैसा हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, वाओ, ये देखिए गाइस, ये आपका कलर चेंज हो गया है। देखें डीप ब्लू ब्लैक के टाइप में हो गया है। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छी तरीके से कि इसका कलर जो है डीप ब्लू ब्लैक टाइप में हो गया है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्रेड है वो आपका इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च। जी हाँ गाइस, स्टार्च। इसमें स्टार्च प्रेजेंट होने के कारण ये अपना कलर को चेंज कर देता है। इसका रिस्पॉन्सिबल जो है आपका एमाइलोज। एमाइलोज एक एंजाइम होता है, उसके कारण ये कलर डीप ब्लू में चेंज हो जाता है। एमाइलोज के ही कारण वो चेंज होता है। तो हम आप लोगों को एक चीज बता देना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी चीज का आप रिएक्शन करते हैं तो उसके पहले पीछे का साइंस जान लीजिए क्या है। इसके पीछे का साइंस एमाइलोज एक एंजाइम है, उसी के कारण आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका कलर अगर डीप ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा ब्रेड का, तो समझेंगे कि उसका उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वो चेंज नहीं होगा तो समझेंगे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि आप लोग बहुत तरह तरह के जो फूड्स खाते हैं आप लोग घर में, जैसे कि पटैटोज खाते हैं, राइस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इस सब में आपको एक्सपेरिमेंट करके आप खुद देखिएगा इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो देखेंगे जैसे कि कोई राइस हो गया, राइस में आप आयोडीन डालिएगा तो उसका कलर जो हो रहा है वो आपका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा डीप ब्लू में चेंज होगा। तो समझिएगा इसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो समझिएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए अभी बहुत तरह तरह मार्केट में जो आपका पॉलिश किया हुआ आपका राइस आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत तरह तरह का बीमारी हो जा रहा है। जैसे कि आपका रिटार्डेशन इन ब्रेथ, ब्रेथ की कमी हो जा रहा है, रुक जा ब्रेथ। आपका विटामिन B12 का कमी होने से आपका ब्रेथ की कमी हो जाएगा, हाइट आपका इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह पटैटो में भी कुछ कुछ तरह तरह का केमिकल यूज करके आपका ये इस तरह का सिचुएशन हो जा रहा है। तो हम अगले वीडियो में हम जब बताएंगे तो एक एडल्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। कभी भी जब बनाएंगे तो 3-4-5 वीडियो के बाद, तब हम आपको एडल्ट्रेशन मिलावट के बारे में बताएंगे कि कैसे हम कोई भी चीज़ में मिलावट है तो उसको हम कैसे पकड़ सकें। जैसे कि अभी का टाइम में आप जान रहे होंगे कोरोना के टाइम में इतना मिलावट अभी कोई भी सामान में यूज कर दे रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। तो हम हर एक चीज़ में आपको बताएंगे, जैसे दाल में, ठीक है, टर्मरिक पाउडर जिसको हल्दी में, उसी तरह आप देख सकते हैं ऑयल में, तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। तो इस तरह बहुत सारा आपके पास एग्जांपल हम आपके सामने हम एडल्ट्रेशन का हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि इस तरह करके गाइस आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें आपका मिलावट हुआ है या नहीं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्या है।
अब बता दे रहे हैं एक चीज और कि स्टार्च जो है वो आपका इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, आपका ठंडा पानी में स्टार्च जो होता है घुलता नहीं है, ठीक है। स्टार्च इसमें जो प्रेजेंट रहता है वो सॉफ्ट होता है और वाइट होता है और टेस्टलेस होता है, ठीक है। खाने में आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो प्योर आयोडीन, ये जो है ये प्योर आयोडीन अगर प्योर रहेगा तो ये जो होगा आपका वॉयलेट कलर का होगा, यानी कि बैंगनी कलर का होगा। तो चलिए गाइस, मेरा तो यही था आज का वीडियो। आप देखिए अगले वीडियो में फिर हम कैसे बताएंगे, तब तक आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।